बड़ी खबर आ रही है, संजय झा जो हैं वो क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने, जरा सुना देते हैं आपको। सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। बिहार में जनता ने इतने बड़ा मोहर लगाया है हम लोगों के डिसीजन पर, इतना बड़ा विक्ट्री दिया है बिहार में, और फिर रेस्ट बाद में आप लोग। हाँ हाँ एब्सोल्युटली। जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम कहीं और जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही हैं। और जाहिर सी बात है जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एनडीए के साथ मैंडेट मिलने पर कुछ आगे डिसीजन चेंज हो सकता है, जिस पर संजय झा ने कहा कि नहीं, हम साथ हैं एनडीए के और आगे भी बने रहेंगे। हम आज की मीटिंग में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूर्णतः आधिकारिक तौर पर विराम लगाते हुए फिलहाल संजय झा नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। और 12 सांसद, 4 सीटें अपनी इस बार गंवाई है जेडीयू ने। हालांकि इस बार बिहार में कहा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जेडीयू, और जाहिर सी बात है पलड़ा भारी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या दबाव बनाने की भी कोशिश होगी बीजेपी पर। लेकिन फिलहाल संजय झा कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, ये बड़ी खबर है। संजय झा, जेडीयू के नेता संजय झा, नीतीश कुमार के करीबी संजय झा, जब नीतीश ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ दोबारा आए तो माना यही गया कि यही संजय झा नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार, जिन्होंने ये पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट तैयार की। और वो संजय झा नीतीश कुमार के साथ पटना से उड़कर दिल्ली पहुंचे हैं, दावा बड़ा कर रहे हैं कि जेडीयू जो है वो मजबूती से एनडीए के साथ है। और इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में वो दिल्ली में बिहार भवन भी जाएंगे, वहां पर नीतीश कुमार के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो जरा दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त मैं बिहार निवास में हूँ और ये आपको ढोल ताशे नजर आ रहे होंगे, और ये सभी समर्थक हैं जो इस वक्त झूम रहे हैं, और ये खुशी है, ये जश्न है बिहार में जो एनडीए के 30 सांसद बनकर आज उनमें से कई हैं जो पहुंचेंगे बिहार निवास अलग अलग जगह पर, और ये खुशी है एनडीए के जीते हुए सांसदों को लेकर। बिहार निवास के सामने की तस्वीर, और ये देखिए ढोल ताशे के साथ तैयारियां हैं। और ये तैयारियां किस लिए, कौन कौन यहाँ पहुँच रहे हैं जी, कौन कौन यहाँ पहुँच रहे हैं? हम तो एयरपोर्ट जा रहे थे भी। कहाँ गए आप लोग? और क्या प्रम तो बता दीजिए क्या कहें जी। जीतन मांझी जी के स्वागत में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और उनका स्वागत के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनका स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो आप सभी अभी एयरपोर्ट? हाँ जी एयरपोर्ट जा रहे हैं मैम। हाँ जी, और क्या कहा गया कब तक रहने के लिए? ये अभी आधे घंटे के लिए वापस आ जाएंगे। हाँ जी, तो आप लोग दिन आज इसको ढोल बजाने? हाँ जी मैम, बातचीत करने के लिए। तो ये सभी ढोल बताशे लेकर, ढोल ताशे लेकर पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त जश्न की तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में जीतन रामान जी यहाँ पहुंचेंगे, जो हम पार्टी से सांसद बने हैं, पहली बार जीत हुई है उनकी, और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तमाम सांसद आज पहुंच रहे हैं, एनडीए और इंडिया की अलग अलग बैठक है, लेकिन इस वक्त एनडीए के कार्यकर्ता इस वक्त बिहार निवास में है। एनडीए के खेमे में जबरदस्त खुशी है, एनडीए के पास बहुमत वाला वो आंकड़ा है सरकार बनाने वाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिया गठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।